मारपीट का ये वीडियो रेवाड़ी का है, जहां धामलावास गांव के मंदिर में घुसकर सरपंच पति और उसके भतीजों ने वहां रहने वाले महंत ज्योति आदित्यनाथ पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि वहां लगे सीसीटीवी और डीवीआर भी साथ ले गए। घायल महंत को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां बड़ी संख्या में गांव के लोग भी पहुंचे। ट्रॉमा सेंटर पर गांव वालों का आरोपियों से भिड़ंत हो गया, जिसके बाद रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर के बाहर सर्कुलर रोड पर खूब लाठी डंडे चले। मैं मंदिर में बैठा था, गांव के सरपंच उसका भतीजा दोनों आए आकर के, पहले तो आराम से लगाओ सरपंच साहब, मैंने कहा बैठ गए, दो मिनट में बोलने के बाद बोले बाहर चल। गेट के बाहर मेरे को पूरी तरह मारने लगे, साला तू ऐसे राजनीतिक करता है, वो है क्या है, और मेरे को मैं हाथ जोड़ता रहा, फिर साहब निकल गया, लैट्रिन निकल गया। धामलावास का, और मेरे को बुरी तरह मारते घसीटते। क्या नाम है सरपंच का? सुभाष जुगाड़। तो किस बात को लेकर के मारपीट की? बोला पहले तू ऐसे था, तू ये किया, तूने पहले ही वो किया। मैं बोला सरपंच साहब मैं तो बताओ सर कुछ भी किया हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं बोला हम तेरे को रहने ही नहीं देंगे, और मेरे बुरी तरह देखो नीचे भी। मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी के धामलावास गांव में बाबा ढंडवाला आश्रम बना हुआ है, जिसमें महंत ज्योतिरादित्य नाथ काफी लंबे समय से रह रहे थे। आरोप है कि गुरुवार शाम को जब महंत मंदिर में लेटा था, तो धामलावास गांव के सरपंच पति और उनके भतीजे लाठी डंडे लेकर वहां पहुंचे और महंत पर हमला कर दिया। लाठी डंडों से बुरी तरह घायल हुए महंत को गांव के एक व्यक्ति ने ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जिसके बाद ग्रामीण भी बड़ी संख्या में रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों का सामना आरोपियों से हो गया। ग्रामीणों की माने तो सरपंच भाजपा समर्थित है और वह बार बार बड़े नेताओं का नाम लेकर देख लेने की धमकी देते हैं। घटना का यह है जी, मैं दूसरा महाराज को लेकर खोरी आया हुआ था। ये महाराज मंदिर में था, वहाँ एक मिस्त्री लग रहा था, एक लेबर थी, एक और लेबर थी। मैं जैसे ही खोरी से आया गाड़ी लेके, मेरे साथ दो बंदे और थे, तो मैंने वहाँ एक किला परा से देखा है सरपंच का परिवार उसको मार रहा है। मैं उस ड्राइवर से कहने लगा भाई तान थोड़ी गाड़ी में भगा, फिर मैं गया हूँ वहाँ, ये जोड़ से मंदिर से बाहर खींच के लेके ला के घेर रखा था। सुभाष सरपंच जो सुभाष है उसकी घरवाली, वो उसके नक्शा ले रखे थे इतना देख रहा। मैं उनका आगे हाथ जोड़ा, मैं बोला भाई कोई बात नहीं ऐसी बात, मेरे को पकड़ लिया, मेरा एक लगा क्या बस चल रहे थे इसके 100 लाख की नारी हो कम से चार पाँच हुआ ने, एक इसका भाणजा था, एक मदन के दो लड़के थे, एक सुभाष सरपंच था। धामलावास गांव से ये शरारती तत्व हैं जी, इन्हें पहले भी आज से 6-7 साल पहले भी किया था महाराज के साथ ऐसे ही बगैर बात, महाराज भगाया था, अब भी बगैर बात महाराज भगाया, मारी महाराज के 100 लठ मारे, कान पाड़ दिए सब कुछ, वहां से कैमरे पाड़ ले गए, महाराज का जो भी सामान था वो उठा ले गए। किस नाम से आश्रम है और कहां पर है? ये धामलावास गांव में आश्रम है जी, बाबा ढंडवाला के नाम से, महाराज ज्योतिनाथ है। ये वहां सिर्फ 7-8 साल से करीब, पहले भी एक मंदिर में थे, इन्होंने ही कुबत करी, जब इस मंदिर में आए महाराज ने मंदिर में 5-6 करोड़ रुपये भी लगाए अपने भजन गा के, वैसे जहाँ से विधान दक्षिण इलाके, अब शिविर भी लगाया था महाराज ने। ये पूरा आरोप सरपंच परिवार पे लग रहा है जी? सरपंच परिवार ने करा ये पूरा? हाँ सरपंच परिवार ने पूरा हमला, सरपंच परिवार ने किया है। हाँ पूरी दमंगाई दिखाई है उन्होंने, आतंक मचाया जाके मंदिर में। बहरहाल अभी तक इस मामले में पुलिस की ओर से कोई भी बयान नहीं आया है। रेवाड़ी से देशराज चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।